आज सोचा मैं आप सबके वो मार्मिक नसों को छूं जो कि सच्चाई है और वो एक ही सत्य है जो हम सबको झुंझला देता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब भी 13 दिन तक उस घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। यही आइसोलेशन पीरियड था क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती है या वृद्धावस्था के कारण, जिसमें शरीर तमाम रोगों का घर होता है। यह रोग हर जगह ना फैले इसीलिए 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड बनाया गया। जो शव को अग्नि देता था उसको घर वाले तक नहीं छू सकते थे 13 दिन तक। उसका खाना पीना भोजन बिस्तर कपड़े सब अलग कर दिए जाते थे। 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात सिर के बाल हटवा कर ही पूरा परिवार शुद्ध होता था। तब भी आप बहुत हंसे थे, है ना, मजाक बनाया करते थे। जब किसी राजस्वाला स्त्री को 4 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि वह भी बीमारियों से बची रहे और आप भी बचे रहे, तब भी कुछ लोग पानी पी पी कर गालियां देते थे। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के 11 दिन तक बच्चे व माँ को कोई नहीं छूता था ताकि जच्चा और बच्चा किसी इन्फेक्शन के शिकार ना हो और वह सुरक्षित रहे। लेकिन इस परंपरा को पुराने रीति रिवाज ढकोसला कहकर त्याग कर दिया गया। जब किसी के शव यात्रा से लोग घर वापस जाते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है और बाहर ही हाथ पैर धोकर स्नान करके कपड़े वहीं निकालकर घर में बुलाया जाता था। इसका भी खूब मजाक उड़ाया गया। आज भी गांवों में एक परंपरा है कि बाहर से कोई भी आता है तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। जब कोई भी बहू लड़की या कोई भी दूर से आता है तो वह तब तक प्रवेश नहीं पाता जब तक घर की बड़ी बूढ़ी लोटे में जल लेकर हल्दी डालकर उस पर छिड़काव करके वहीं जल बहाती नहीं हो। तब तक खूब मजाक बनाया गया था। आज भी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। संक्रमण के अंदेशा वाला कार्य करने वाले लोगों को तब तक नहीं छूते थे जब तक वह स्नान न कर ले। आज जब आप किसी को छूने से मना किया जा रहा है तो आप इसे ही विज्ञान बोलकर अपना रहे हैं। क्वारंटीन किया जा रहा है तो आप खुश होकर इसको अपना रहे हैं, पर शास्त्रों के उन्हीं वचनों को तो हम सब भुला गए हैं। सनातन धर्म का अपमान जो कर रहे हैं आज, यही उसी का परिणति है कि आज पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। याद करिए, पहले जब आप बाहर निकलते थे तो आपकी मां आपको जेब में कपूर या हल्दी की गांठ इत्यादि देती थी। याद आया होगा कि कुछ समय पहले तक गर्मी में आप छोटे प्याज अपने जेबों में, पतलून की जेबों में रख कर बाहर निकलते थे। ये सब कीटाणु रोधी होते हैं। शरीर पर कपूर पानी का लेप करते थे ताकि सुगंधित भी रहे और रोगाणुओं से भी बचे रहे। लेकिन सब आपने भुला दिया। कुछ लोगों को तो अपने शास्त्रों को गाली देने में परम आनंद मिलता है। अरे समझो अपने शास्त्रों के लेवल को। इसे जिस दिन हम सब समझेंगे तब यह देश, हमारा अपना हिंदुस्तान, विश्व गुरु कहलाएगा। आप इसे ना माने, दूसरे मानते हैं और जो ये मानते हैं वह इसका लाभ उठाते हैं। और जैसे कि तमाम चीज आज पेटेंट हो रही है जो हिंदुस्तान की होनी चाहिए थी, ऐसे ही शास्त्रों की कई चीज है जो बाहर चली जाएगी और आप उल्टी दिशा से आने वाले हर वो कल्चर को अपनाने के लिए तैयार दिखते नजर आएंगे। विचार कीजिएगा। धन्यवाद।